खरगोन जिले के गोगावा नगर के मोहम्मदपुर स्थित जगदम्बा माता मंदिर के समीप रविवार रात्रि में अचानक अनियंत्रित तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना दर्दनाक हुआ कि कार में सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना रविवार रात्रि 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। कार युवक ग्राम मोहम्मदपुर से ग्राम गोगांव की ओर आ रहे थे, इस दौरान हादसा हुआ। गोगांव थाना प्रभारी दिलीप गंगराणे ने बताया कि दुर्घटना में दानियाल पिता हयात उम्र 20 वर्ष और उमर उर्फ टोनी पिता हुसैन उम्र 15 वर्ष की मौत हो गई। मृत युवक आपस में चचेरे भाई थे। इनके पिता की गोगांव में मालवा टेंट हाउस की दुकान है। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद गाड़ी में सवार दो युवक बुरी तरह से कार में फंस गए थे। घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण कार को बाहर निकालने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ी। कार से निकालने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से नगर में मातम सा छा गया। सोमवार सुबह लगभग 11:30 पर दोनों का जनाजा घर से कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां उनको सुपुर्दे खाक किया गया। इस शोक के कारण दोपहर तक सभी समुदाय के व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। इन दो जनाजों में सभी समुदाय के सैकड़ों नागरिक सम्मिलित हुए। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।